हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे छोला की सब्जी। चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे बनता है। ये छोले की सब्जी बनाने के लिए 1 कप हमने छोला लिया है। इसे 8 से 10 घंटे हमने भिगो के रख दिया है, जो कि फूल के काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसको कुक होने के लिए हम कुकर में रखेंगे। 7 से 8 विसल हम लगाएंगे इसकी। अच्छे से इसे हमें गलाना है। एक कुकर लेंगे, उसमें अपना छोला और पानी जो हमने भिगो के रखा रहता है, और इसमें एक हम आलू ऐड करेंगे। खड़े मसाले हमने एक बे लीफ लिया है, थोड़ा सा दालचीनी लिया है, एक बड़ी इलायची है, 4 हमने लौंग लिया है, 8 से 10 हमारी काली मिर्च हैं, 2 हमारी मुग्गू हैं। ये सभी हम इसमें डाल देंगे। 8 सीटी कम से कम इसमें लगाएंगे। अच्छे से इसे हमें गलाएंगे। 7 से 8 सीटी हम इसमें लगाएंगे बंद करके। 1 विसल आने के बाद गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। ग्रेवी बनाने के लिए 2 हमने टोमेटो लिया है मीडियम साइज के, 2 हमने प्याज लिया है, 1 हमने चिली लिया है तीखी इसलिए हमने 1 लिया है, और थोड़ा सा हमने अदरक लिया है। इन सब का हम बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। 8 विसल आ गई हैं। अपना फ्लेम गैस का बंद कर देंगे। स्टीम निकलने के बाद इसे ओपन करेंगे। ये हमारी स्टीम निकल गई है। अपने छोले चेक करेंगे। छोले हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। कुछ बहुत ही सॉफ्ट कुक करना है हमारा, ऐसा है बिल्कुल। एक कढ़ाई लेंगे, उस पर 4 से 5 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, और जो हमने अपना पेस्ट बना के रखा है उसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। जब तक हमारा तेल अलग नहीं हो जाता है तब तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। 1/4 हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। ये तीखी बिल्कुल नहीं है। सबको अच्छे से हम अपनी ग्रेवी के साथ मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 2 मिनट हमारा हो गया है, मसाला भी हमारा लगभग पक गया है। छोला कुक करते थे जो हमने खड़े मसाला डाला था वो सभी खड़ा मसाला निकाल के इसमें ऐड कर लेंगे। जो हमने आलू कुक किया है उसको भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से एक ग्रेवी के साथ में मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम टू हाई रखेंगे और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा भुन गया है। गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इसको तो भी अपने ग्रेवी के साथ में मिक्स कर लेंगे। अपने छोले ऐड करेंगे जो कुक करके हमने रखा है, इन्हें भी अपने ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के कारण नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले भी यूज किया है इसलिए नमक को हिसाब से यूज करेंगे। तो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। अच्छे से अपने हम मिक्स कर देंगे इसको। 5 मिनट के लिए इसे हम ढक के पकाएंगे। 2 मिनट हमारा हो गया है। हमारे छोले अच्छे से कुक हो गए हैं। 2 टीस्पून हम छोला मसाला ऐड करेंगे। फिर इसको भी मसाले को मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा छोला बनकर तैयार हो गया है। आप भी कृपया इसे बनाएं, खाएं और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे आप तक की नई रेसिपी पहुंचती रहे। थैंक यू।